मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अयोध्येला गेले तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांसह आपण बाबरी मशीद पुन्हा बांधण्यासाठी अयोध्येला जाऊ असा इशारा अबू आझमींचा मुलगा फरहान आझमीने दिलाय. ते राम मंदिर बांधणार असतील तर आम्ही बाबरी मशीद पुन्हा बांधू असा इशारा आझमींनी दिलाय. उद्धव ठाकरेंनी अयोध्येचं तिकीट काढलं तर आम्ही अयोध्येला पायी जाऊ असा इशारा आझमींनी दिलाय. तर अबू आझमी यांनी तातडीनं फरहान आझमी यांचं विधान फेटाळत निषेध नोंदवलाय. इसको धमकी जो भी समझना चाहे समझ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता के साथ में, बहुत ही मॉडेस्टली ये सिर्फ ऐलान कर रहा हूं कि अगर उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ये कहेंगे कि मैं 7 मार्च को अयोध्या जाने वाला हूं, तो मैं भी जाऊंगा उनके साथ. मैं भी जाऊंगा और मैं अपने पिता को भी कहूंगा आप भी चलिए. हमारे समाजवादी पार्टी के आमदार यहाँ हैं और भी लोग आमदार आने वाले हैं. मैं महाविकास आघाड़ी के सारे मेंबर्स को दावत देना चाहूंगा कि अगर उद्धव ठाकरे जी ने अयोध्या का टिकट निकाला तो हम लोग यहां से पैदल निकलेंगे अयोध्या के लिए और हम लोग साथ जाएंगे. लेकिन एक कंडीशन होगा कि वो राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे. क्योंकि अब यह मसला बाहर क्यों लाया जा रहा है? आपने लोगों को धोखा दिया, मोदी के नाम पर आपने वोट ले लिया, अमित शाह से डरा करके कांग्रेस एनसीपी को खाली करा लिया और उन्हीं नेताओं को अपना टिकट देकर के आज आप सरकार चला रहे हैं. आप हमको बता रहे हैं कि अगर आप ज्यादा ये करेंगे तो हम अयोध्या चले जाएंगे. 100 दिन पूरा हुआ है भाई साहब, तो सिद्धिविनायक क्यों नहीं चले जाते आप? क्या वहां आपकी आस्था कम हो गई है? क्या अब आपको उसमें आस्था नहीं है? आप तो महाराष्ट्र के हैं. आपने अभी 100 करोड़ रुपया दिया है शिरडी साई बाबा के ट्रस्ट को, वहां भी आपने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी. क्या है कि वो पार्थी में पैदा हुए थे? ये मजाक आप शिवाजी के साथ क्यों नहीं करते? आप छत्रपति महाराज शिवाजी के साथ ये मजाक करने का हिम्मत करिए ना एक बार. अबू फरहान आजमी ने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं उस स्टेटमेंट को बिल्कुल कंडेम करता हूँ. फरहान मेरा बेटा जरूर है, लेकिन उसका समाजवादी पार्टी में कोई लेना देना नहीं है, वो बिजनेस करता है. इस तरह के स्टेटमेंट मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ. बाबरी मस्जिद का जहाँ तक सवाल है, एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, अब जो लोग उस केस को देख रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो कोई स्टेप लेते हैं तो हम ज़रूर, मैं नहीं बल्कि सारा मुसलमान देश का उनके साथ खड़ा है. लेकिन फरहान ने जो स्टेटमेंट दिया है, हम जाकर वहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे अगर उद्धव जी वहाँ गए तो, मैं बिल्कुल से कंडेम करता हूँ. ये उनका अपना स्टेटमेंट है, समाजवादी पार्टी को लेना देना नहीं है.